आप सब लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान टीम अहमदाबाद में मैच क्यों नहीं खेलना चाहती है। इसका राज खोला है उनके पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने। शाहिद अफरीदी को लगता है पीसीबी चीफ नजम सेठी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अहमदाबाद में भूत दिखता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बिना कारण अहमदाबाद पे मैच खेलने से मना करने पे इतना भड़क गए शाहिद अफरीदी कि उन्होंने पूछ ही दिया कि अहमदाबाद पिच पे क्या भूत है कि वो पिच आग उगलती है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि पीसीबी अहमदाबाद की पिच पर खेलने से क्यों मना कर रही है, क्या ये आग उगलती है या ये भूतिया है? वहां जाओ, खेलो और जीतो। अगर ये चुनौतियां हैं तो इनसे पार पाने का एकमात्र तरीका है जबरदस्त जीत। आखिर में जो मायने रखता है वो पाकिस्तान टीम की जीत है, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अफरीदी ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप चुनौतियों से जीतोगे तभी आप बड़े बन पाओगे। अगर आप नहीं लड़ते हो, नहीं आते हो मैच खेलने, तो पूरी दुनिया आपकी खिल्लियां उड़ाएंगी। तो पाकिस्तानी टीम यहाँ आए, लड़े, जीते और साबित करे कि वो उस महान टीम की विरासत है जिसने 1992 में सात समुंदर पार जाके विपरीत परिस्थितियों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। पाकिस्तानी टीम को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो हरकतें अभी कर रहे हैं, वो वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, वकार यूनस, शोएब अख्तर जैसे महान खिलाड़ियों पर अपमान है। तो आप ऐसी अड़ंगे डालना बिल्कुल बंद करें और आके यहाँ पर मैच खेले, शांति से अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। बहरहाल कमेंट्स में हमें बताएं दोस्तों कि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी टीम इंडिया खेलने आएगी, और अगर आएगी तो क्या वो मैचेस जीत पाएगी, वो उतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी कि उनमें अभी भी आपको डर का माहौल दिख रहा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखते रहे तूफान स्पोर्ट्स, खेलो तूफान से।